मीरा की सास को मीरा। हे कृष्ण भगवान, अब क्या कहूँ, मतलब समझी नहीं। वैसे माँ जी, देखा जाए तो हमें ये पायल उन्हें भी पहनाना चाहिए। अरे तेरे हाथों से पायल पहनकर गरबा करने के लिए मेरे आप भी ये पायल पहनकर खुशी से झूम उठेंगे। उस दिन तो झांसी की रानी बन रही थी और आज तू मेरे कदमों में गिर गई। वैसे मेरी याद शक्ति तो बहुत तेज है सचिन, हम सब बहुत उत्सुक हैं। अच्छा, ये क्या है ये? ओ सासू माँ, ये मजाक बहुत ज्यादा हो गया। शांत हो जाइए, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरी गोपी वो कभी गलत हो ही नहीं सकती, इसलिए तो हरी पायल ही लेनी होगी। की सास को पायल पहनाने कौन आ रहा है? मुझे तो ये रस्म बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। आपके अपमान का बदला भी तो लेना, मैं ये रस्म जरूर कर। देखते हैं अब आप इसके लिए कैसी बेड़िया लाए हैं। ये देखो मैं, पसंद आई ना तुम्हें? अपने आप तो मेरे पैरों में नहीं आएगी ना, प्यारे हाथों से मुझे पहनाई, तभी तो मेरे पैरों की शोभा बढ़ेगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? कि ये तू जानती है मीरा, जब तू छोटी थी नील पॉलिश भी लगाया देती थी, यहाँ तक कि इसी तरह से झूठ वो तेरी समधन थी। समझी बाजी? मेरे एक पैर में तो पायल मेरी समधन ने पहना दी, श्रवण की दादी सास को पहनानी चाहिए। चलिए चलिए जल्दी आइए, हम पायल पहनाएं। सुनाई नहीं दे रहा क्या कोकिला मुर्गी जी? आपकी हिम्मत कैसी हुई? हिम्मत जुटानी पड़ी हमारे समधन के, हमें उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी, ये तो हमारा कर्तव्य है। अरे लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मारने का कोई हक नहीं है। गलत माँ होने के नाते ये मेरा हक है, और हमेशा रहूंगी। तू खुद से पहनी, दिल से मत लगा।